अब तक की सबसे बड़ी खबर, गग्गल में गरमाया माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले यूथ का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। छात्रों में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर नाराजगी जताई गई है कि 3 से 4 साल उन्हें पहले नौकरी के लिए तैयारी करनी होगी, इसके बाद नौकरी होगी तो वह भी सिर्फ 4 साल के लिए। छात्रों ने इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गग्गल से धर्मशाला की ओर अपना रुख कर लिया। युवाओं का कहना है कि मोदी सरकार नौजवानों के भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज देश के युवा सबसे अधिक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार सेना में अस्थाई बहाली की घोषणा कर नौजवानों और देश के साथ छल कर रही है। नौजवानों का कहना है कि सरकार युवाओं के साथ मजाक कर रही है। इसी दौरान गग्गल और धर्मशाला के बीच रास्ते पर पुलिस ने कई नौजवानों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है कि इस प्रदर्शन को फिलहाल गग्गल तक ही रोका जाए। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।